और जहां जहां यहां तो हमने आना ही नहीं था, रात को मिस्टेक हो गई अंधेरे में, एक कहते ना रॉन्ग टर्न की मूवी थी, हमने रॉन्ग टर्न ले लिया बस, समझ में नहीं आया रात को रास्ता। दोस्तों आज तो फंसी गए, आज पूरा मतलब उम्मीद ही खत्म कर दी मैंने तो, बिल्कुल हो जाता है कोई बात नहीं। रात का टाइम था ना जब आप गाड़ी होंगे, पहले एक गाड़ी भी आ रही है, ये देखिए दोस्तों आखिरकार हमारी मेहनत सफल हुई। अरे भाई ताला लगा क्या है, ताला लगा हुआ है, गए भाई साहब घुस गए लंबा, अब सो इधर ही सोना पड़ेगा रात को पूरी रात। विनायक, हाँ ये है विनायक, ये देखिए ये लिखा हुआ है विनायक आ गए दोस्तों, 200 मीटर आगे लिखा हुआ है, ऊपर है भाई, कहाँ को विनायक ऊपर है, नहीं नहीं यहाँ पे वो मार के आगे ऐसे लेपट निकल जाए मजा आ जाए। दोस्तों ये विनायक का फॉरेस्ट है, ये देखिए थर्ड टाइम दोस्तों, तीसरी बार आ रहा हूँ मैं यहाँ, तीसरी बार, अभी जितने ऊपर जा रहे हैं उतनी ठंड बढ़ते जा रही है, और ये देखो जैकेट भी पहनी है भाई ने तो, ठंडा हो रहा है। और ऊपर से पहाड़ देखिए कितने शानदार लग रहे हैं, और ग्लेशियर देखिए, हिमालयस शानदार व्यू आ रहा है हिमालय का, यहाँ से रेड आ रहा पूरा, जन्नत है दोस्तों जन्नत, ग्लेशियर हिमालय पास में दोस्तों, कुछ कुछ विलेज हैं और ठंडी हवाएं चल रही दोस्तों, एकदम जैसे हम ठंड के दिन में आए हैं। और ये हिमालय देखे कितने प्यारे लग रहे हैं, नीचे देखिए ये पानी की आवाज़ें आ रही है, जैसे रात हो जाएगी कितना मुश्किल हो जाएगा हाँ नीचे उतरना भी। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें अपने को रोक दे रही है, वाह 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 भाई साहब, ये है जीते जी स्वर्ग, लोग मर के देखते हैं, हाँ हम जीते जी देख रहे हैं, ये देखो और पीछे से कितना प्यारा आ रहा है सनसेट, है सनसेट, हाँ सनसेट की चमक पड़ रही है, वाह। बाकी ये झुंझुरू की वादी कितनी शानदार, मजा आ रहा है, ये देखिए 360 डिग्री व्यू देख लीजिए यहाँ का, अब सीधे चला जाइए, वो कह रहे हैं अगर यहाँ खाने का इंतजाम ना हो तो आपको विनायक जाना पड़ेगा, हाँ फिर विनायक तो यहाँ से कितना 15-20 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, यानी वहाँ पे आना जाना ओना गोना तो 1.5 घंटा लग जाएगा आने जाने में। अरे यार दोस्तों हमको कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड भी हल्का हल्का देखने को मिला है, देख लीजिए हम घर से 3 बजे निकले हैं और भाई 7 बजे, कितनी दूर है दोस्तों, कितनी मेहनत है, हम यहाँ पे अभी जा रहे हैं वो रोड का लास्ट पार्ट है, ये पेड़ गिर गया पूरा, भटक गए, ये क्या है ना कि एक तो लैंडस्लाइड हुआ, मुझे रास्ता बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, पिछली बार जब आए थे 2 रास्ते कटे, हम सीधे ऊपर को कटे, हमने तीसरा रास्ता देखा ही नहीं,
अभी मैंने सिफर से दो रास्ते देखे, आगे जा जल्दी जा, गाड़ी देख आगे से। अभी हम रास्ता भटक गए दोस्तों, हम यहाँ से 109 किलोमीटर आगे आ गए। चलो चलो दोस्तों, आज भैया बहुत डांट रहे होंगे, कह रहे होंगे दीपक कैसा रास्ता ले आया। दोस्तों आज बिल्कुल मुझे भैया अंदर अंदर काटिए, अंदर अंदर भाई। आज दोस्तों आज भैया डांट रहे होंगे, कह रहे होंगे ये दीपक कैसा रास्ता लिया। काटिए काटिए, बैंड काटिए भैया, पत्थर लग जाएगा, पत्थर बैंड काटो, बैंड बैंड काटो। हाँ अंदर अंदर डाली वो, अंदर अंदर और जहां जहां यहां तो हमने आना ही नहीं था, रात को मिस्टेक हो गई अंधेरे में। एक कहते हैं ना रॉन्ग टर्न, एक मूवी थी पर हमने रॉन्ग टर्न ले लिया बस, जो है समझ में नहीं आया रात को रास्ता। हाँ एक रॉन्ग टर्न भारी पड़ गया बस, फिर भी सही टाइम बच गए, ज्यादा दूर नहीं। हाँ ज्यादा दूर नहीं थे, 8 किलोमीटर था और यहाँ नेटवर्क है। हाँ नीचे जियो का ये बेनिफिट। तो आज तो फंस ही गए, आज पूरा मतलब उम्मीद ही खत्म कर दी मैंने तो। बिल्कुल हो जाता है, कोई बात नहीं, रात का टाइम था ना जब आप गाड़ी पहले। एक गाड़ी भी आ रही है, इनसे पूछ लेते हैं। तो भैया आप जहाँ रहते हैं तो यहाँ तो कुछ जानवर आते हैं? कुछ जानवर सर उधर ही मिलेंगे, इधर तो नहीं आता अभी। अच्छा। उधर साइड मिलेंगे आपको, जहाँ आप रहते हो अभी जा रहे हो ना कुंजा बंगला में। ओके बहुत तो कौन कौन से जानवर होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मिलेंगे आपको जंगली हिरन, गुरेल होता है जो। हाँ उसमें भी तीन प्रजाति आती है, एक तो आपको काकड़ होगा, एक घेड़ होगा, एक जड़िया होगा, एक सांबर बोलते हैं, सांबर बड़ा सा होता है। हाँ बड़ा सा, जो बड़ा हाइट का होता है ना। ठीक है गाय जैसा। तो यहाँ बाघ कौन कौन कितने प्रकार के बाघ हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ तो एक वही चलता है जो वहाँ से, हमारी भाषा में उसको गेंदवा बोलते हैं, धब्बे वाला। हाँ धब्बे वाला, दूसरा नहीं है, धारी वाला नहीं है यहाँ? धारी वाला यहाँ नहीं मिलता, धारी वाला आपको मिलेगा रामनगर कॉर्बेट में। हाँ और कुछ अपना क्या बोलते हैं, भालू भी है इधर? भालू इस जंगल में नहीं होगा, भालू आपको मिलेगा सोडा विनायक के आसपास। कौन सी जगह? सोडा विनायक, जो विनायक में मेरा जहाँ बन चौकी है ना, विनायक विनायक था। हाँ। सोडा विनायक बोलते उधर, ये हुआ नौनिया विनायक। हाँ। आपको जहाँ से आप आए थे नैनीताल पंगोड़ से आए होंगे। हाँ। हाँ। उस जंगल में मिलता है क्योंकि वो ज्यादा निगाल के झाड़ में रहता ना। क्या बात, आपको पूरी जानकारी, आपको रास्ते मिलते होंगे कभी कभी? हाँ तो बहुत मिलते रहता है, हम यही के रहने वाले थे तो हमें लोकल का पता ही है। क्या बात है, तो इनको खाने को क्या मिलता है जो है? यही हिरण खाते हैं सब ये? हाँ बाघ वगैरह हिरण खाता है, बाकी हिरण जो है वो घास खाए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत कुमार है। हेमंत कुमार, थैंक यू भैया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है सर, आप 5 किलोमीटर आगे जाके जो यू टर्न पड़ेगा आप वहाँ से अंदर को चले जाना। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू भैया। ओके हाँ आराम से जाएंगे, एकदम छोटी वैसी। हाँ ये पीछे गाय बैठी है, छोड़ी हुई है गाँव में? ये कहीं से कोई लाया हुआ गाड़ी वाला यहाँ छोड़ गया। ओ भाई साहब, खाली वैसे ही भाई हुई है गाड़ी, देख लो कितने लोग पापी हैं। हाँ फिर जब तक दूध दिया ठीक है, दूध देना बंद हुआ तो छोड़ दो जंगल में जाके। बैल है देखो, खेत जोतने लायक काम ओके, बैल है ये। ठीक है ठीक है, अरे यार चलो ठीक है, थैंक यू हेमंत जी, शुक्रिया सर। देखिए दोस्तों बैल है ये, बैल गाय नहीं है भाई, बैल है बैल। हाँ तो देखो दोस्तों, वो बोले कोई गाड़ी में आया यहाँ छोड़ के चला गया इनको मरने के लिए, इतना तो पाप मत करो यार। तभी तो दोस्तों गौशाला बनती है जो है, वहां छोड़ना चाहिए। क्यों
नहीं क्या था ना, जैसे कि मैं तो जहाँ पे बर्फ थी, जहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे मैं बर्फ पे रुका था, मेरा दिमाग में तो वही था, मैंने कहा रोड हम सही आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उसका तो रोड का एंड नहीं हो रहा ना। हाँ खत्म ही नहीं हो रही थी रोड, तो देखा तो घर आने शुरू हो गए। मैं कहा यार ये तो घर आ, गांव आ गए। नहीं फिर मुझे भी आप बोलते थे गांव तो नीचे है, गांव है ही नहीं, गांव नीचे थे सही। हाँ, में तो हम गांव पहुंच गए हम तो। हाँ आप कह भी रहे थे ऊपर से कि ये नीचे ढलान हो रही है। हाँ हम ढलान पे जाए जा रहे थे, देखो क्या रूट है, देखिए खराब है, होता है चलता है दुनिया है, टेंशन नहीं लेने का टेंशन देने का। दोस्तों ये पहली बार हुआ है जिंदगी में, ये पहला है मेरा। देखा भाई साहब, भाई देख लो पत्थर पड़े हैं सड़क पे भाई साहब। अभी क्या है जब शॉकर ऊपर नीचे होते हैं ना तो टच हो गया नीचे पत्थर। पर एक चीज देखने वाली है यार, क्या हम इतने अंधेरे में घूम रहे हैं, रास्ता भटक गया कुछ भी है। हाँ और हमें कोई वाइल्ड एनिमल नहीं दिखा अभी तक, देख लो। हाँ ये तो है। एक्चुअली क्या है, हम जिस रोड पे चल रहे हैं इस पे क्या है, उजाड़ है, वो होंगे जहाँ घास होगी पत्तियां होंगी है ना। हाँ जैसे पहाड़ों में होंगे ऊपर ऐसी जगहों के ऊपर। हाँ हाँ ले भाई टच हो गया ना पत्थर पे, मंदिर बता रहे ना, ये मंदिर है, ये मंदिर है, ओके। अरे भाई साहब ये रास्ता है, तुम लेके थे नीचे, हमने जाना था ऊपर। ये देखो ये पक्की रोड आ गई, ये मंदिर है दोस्तों। हाँ यहाँ मंदिर कहाँ यार, ये मंदिर, मंदिर का माथा टेको पहले भाई साहब, यहाँ से जाओ तो कभी माथा जरूर टेकना। ये देखो जय हो, ये दोस्तों मंदिर है, जय हो मालिक, भूले को सहारा आपका। ये दोस्तों हम भटक गए थे, देखिए आपने सही रास्ता दिया हमें। अब यहाँ से हमने ऊपर को जाना है या नीचे को? अभी ऊपर ऊपर को, नीचे तो है ही नहीं। हाँ ये पक्की पक्की सड़क जानी है, पक्की सड़क है, पक्की सड़क, ये तो नीचे को खाई है। ये देखिए मैं यही रास्ता कह रहा था, अगर देखिए मैं उस दिन क्या ना, उस दिन मैं मेरा भाई यहीं पे रुके थे तो भैया ने कहा था कि ऊपर वाले रास्ते जाना है, तो हम मैं यहाँ पे था। हाँ, मैंने वो रास्ता सही है ना। हाँ अभी ठीक है, एकदम परफेक्ट है, अभी अभी आगे लेपड़ का एरिया वो बोल रहा था। हाँ पास अभी अभी एकदम परफेक्ट है, अभी मैं गारंटी कह रहा हूँ, क्योंकि अभी नीचे मैंने अब बहुत पहचान लिया। अरे यार भाई अब भगवान को दुआ करो कि ऊपर जो एफआरएच में है वो हमारे लिए गेट खोल दे। हाँ होना चाहिए स्टाफ, होना चाहिए, अगर ना हुआ तो फिर ये गाड़ी में ही सोना पड़ेगा भाई, एफआरएच के 1200 रुपए आएगा हमें उठाएगा, फिर ये भी वही खाना भी बाहर बनाना पड़ेगा ठंड में। हालांकि कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास गाड़ी है, हम गाड़ी में सो सकते हैं, सीट बेंड करके सो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर एफआरएच में रुकने का जो मजा है वो तो हाँ वो कहीं नहीं है, अलग ही है। हाँ दोस्तों मैं तो आज एकदम, मेरा तो पूरा माइंड ही ब्लो हो गया। मैं बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या बीत रही थी उस टाइम पे। मुझे हो गया, मैं भैया को लेके आया और भैया कहेंगे कैसी जगह पे लेके आ गया, मुझे फंसा दिया। एक्चुअली क्या है यार, गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा ना, चक्कर ये है, कहीं नेटवर्क आया। देखा ठंड कितनी है बाहर, देखा वहाँ ठंड बिल्कुल नहीं थी जहाँ हम नीचे रुके थे दोस्तों, वहाँ बिल्कुल ठंड नहीं थी जहाँ हम रुके हुए थे, जहाँ फंस गए थे हम लोग, वो है फरज शायद। देख गया, हाँ हाँ या ये फर फरज आ गया कुंज केड़ा, ये हमारी। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, देख के जान पे जान आ गई है, फरज दिख गया। लास्ट रोड यहीं पर तक ही है भाई साहब, पर यहाँ तो अंधेरा है, लाइट भी जग नहीं रही। नहीं नहीं भैया इसके ऊपर एक और है, ये एक और रेस्ट, इससे एक और ऊपर है, वहाँ पे लाइट दिख रही है हल्की हल्की, वो है फरज। हाँ अपने को हाइट में जाना है, ये नहीं अपना एफआरएच, इससे ऊपर एक और एफआरएच है, ठीक है। हाँ यहाँ फॉरेस्ट के एफआरएच है ना जितने हैं। अच्छा क्वार्टर्स हैं उनके। हाँ क्वार्टर्स हैं। ये देखिए दोस्तों ये एक और है नीचे वन विभाग के, जो कि ये यहाँ कोई नहीं है शायद, इससे ऊपर है।
साहब बस ये देखिए दोस्तों, आखिरकार हमारी मेहनत सफल हुई। अरे भाई ताला लगा क्या है? ताला लगा हुआ है। गए भाई साहब, घुस गए लंबा। अब सो इधर ही सोना पड़ेगा रात को, पूरी रात।